हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंकास किचन। आज हम समोसा बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समोसे का डो तैयार करते हैं। उसके लिए हमने ये 1 बाउल मैदा लिया हुआ है, जो कि हमने पहले से ही छान कर साफ कर लिया था। और उसके बाद हमने ये 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, ये भी हमने पहले ही साफ कर लिया था। फिर हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं और 2 चम्मच हमें इसमें तेल डालना है। इन सबको मिलाते हुए हम मोयन कर लेंगे। मोयन करने से समोसा जो है खस्ता और बढ़िया क्रिस्पी बनेगा। तो 2 से 3 मिनट लगता है हमें मोयन करने में। हमारा मोयन बिल्कुल तैयार हो गया। हमने 2-3 मिनट तक इसको मसला, देखिए इस तरह से। मोयन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ताकि खस्ता सा बन सके। अब हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें हल्का गुनगुना पानी लिए हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करेंगे। हमारा डो जो है तैयार हो गया है। डो को हमें थोड़ा सख्त ही रखना पड़ता है। तो अब हम इसे ढक करके 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब तक में हमारा आटा सेट हो रहा है, उतनी देर में हम समोसे की जो है स्टफिंग वो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 8 से 10 उबले हुए आलू ले लेंगे। फ्रेंड्स, तो मेरे आलू थोड़े छोटे हैं, तो इसलिए हमने 8-10 लिए हैं। आप बड़े आलू अगर यूज करते हैं तो 3 से 4 में हो जाएगा। इनको हम आलू मैशर से सबसे पहले मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पहले ही ये आलू मैश करके तैयार रखे हैं। तो अब हम इसके मसाले की ओर चलते हैं। अब हम एक कढ़ाई गैस पे रख के मीडियम फ्लेम कर देंगे। फिर हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ 1/2 इंच टुकड़े का अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा चलाएंगे। फिर 8 से 10 कली लहसुन बारीक कटी हुई डालेंगे। इसे हम 1/2 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये ब्राउन होने तक थोड़ा सा भुन जाए। अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे, कटी हुई बारीक। हरी मिर्च की क्वांटिटी भी फ्रेंड्स, आप अगर ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप 1-2 मिर्ची और बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसमें रोस्टेड और छिलका निकाला हुआ पीनट डालेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो फ्रेंड्स इसे स्किप कर सकते हैं और आप रोस्टेड काजू 8 से 10 यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पीनट डाली हूँ। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब लास्ट में हम इसमें हरा धनिया पत्ता कटा हुआ डाल देंगे। चाट मसाला और अमचूर पाउडर लास्ट में डालने से इसका टेस्ट अच्छा और चटपटा हो जाता है।
अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा ये समोसे के लिए स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे हल्का ठंडा होने देंगे ताकि समोसे में अच्छी तरह से भरे जा सके। डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे। हमारी लोइयां तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम एक लोई को लेके सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। सूखा मैदा हमने रख रखा है ताकि बेलने में दिक्कत ना हो। ये हमारी लोई बेल गई है, तो लोई को ना ही बहुत ज्यादा मोटा रखते हैं और ना ही पतला। अब हम इसे सेंटर से कट कर देंगे। अब इसका एक पीस हम उठा लेंगे इस तरह से। अब इसको हम कोन शेप देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो कोन शेप देने के लिए हम इसमें पानी लगा लेंगे थोड़ा सा। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाएगा इस तरह से। ये हमारा कोन हमने पानी लगाकर बना लिया है। अब हम इसकी फिलिंग कर देंगे इस तरह से रख के। टो और फर्स्ट फिंगर की हेल्प लेंगे हम इसके लिए इस तरह से, आप देख सकते हैं। ये हमने फिल कर दिया। अब वापस पानी की हेल्प से हम इस पे चिपकाने का काम करेंगे इस तरह से। हमारा समोसा बहुत अच्छे से चिपक गया है। इस तरह से करके हम सारे समोसे बना के रख लेंगे। समोसे बनाने में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो लोइयां हम बेलते हैं, जो रोल करते हैं, वो ओवल शेप में रखना चाहिए। तो ये देखिए, ओवल शेप में बेलते हैं तो शेप जो है समोसे की बहुत अच्छी आती है। फिर इसे हम सेंटर से इक्वल दो पार्ट रख करते हैं और वापस बनाते हैं। एक समोसा मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ये हमने ओवल शेप में बेला, उसको दो पार्ट में बेला, फिर इसके किनारों पे हमने पानी लगाया, इसे कोन शेप में इस तरह से फोल्ड करके चिपका दिया, फिर इसे ऐसे अपने हाथ पे रखा। देखिए, मुट्ठी बना के उसके ऊपर हमें रखना है ये। फिर हमने इसमें मसाले की फिलिंग की इस तरह से दबा के, और ये जो चिपकाया वाला पोर्शन है वो हमें ऊपर रखना है। फिर हमें इसके बॉर्डर पे पानी लगाना है और इसको ऊपर रखते हुए हमें वापस ऐसे इसको चिपका देना है। ये देखिए, समोसे की शेप इतनी प्यारी सी बन गई। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम एक पैन में ऑयल रखेंगे। ऑयल हमें इतना रखना है कि समोसे डूब सकें, और समोसों को हमें एक एक दो दो करके ही फ्राई करना है। और उसके अलावा ऑयल हमारा गर्म हो गया कि नहीं इसकी टेस्टिंग के लिए हम एक छोटा सा आटे का टुकड़ा इसमें डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए, मतलब हमारा ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसे हम निकाल के बाहर कर देंगे और इसमें हम समोसे डालना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार में दो समोसे डाल के फ्राई कर रही हूँ। इसे हमें डीप फ्राई करना है ब्राउन होने तक, और दोनों साइड से पलट पलट के हमें फ्राई करना है, इसको तलना है। ये समोसा हमने पलट दिया है, अब दूसरे साइड से भी हम इसको पकने देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में कई तरह की चटनी की रेसिपीज डाल रखी हैं, उसमें खट्टी मीठी तीखी हर तरह की चटनियां हैं। तो उसकी लिंक जो है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करिए, फिर उसमें आपको बहुत सारी चटनी मिल जाएगी जो आप समोसे के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसको लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और बेल आइकन भी प्रेस करिए। ये देखिए हमारा समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे, ऑयल इसका जो है टिश्यू पे एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद इसको हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे समोसे सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।